प्रतिष्ठान आणि औरंगाबाद एमटीडीसीच्या वतीने दुसऱ्या हेरिटेज वॉकची सुरुवात नवखंडा महल येथून करण्यात आली. यावेळी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसह नागरिकांनी देखील ऐतिहासिक वास्तूंचं महत्व जाणून घेतलं. पर्यटन प्रतिष्ठान आणि एमटीडीसी औरंगाबाद यांच्या वतीनं आयोजित दुसऱ्या हेरिटेज वॉकला शनिवारी नवखंडा महल येथून सुरुवात करण्यात आली. ऐतिहासिक वास्तूंची औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना माहिती व्हावी या उद्देशाने या हेरिटेज वॉकचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 400 वर्षांपूर्वी अहमदनगरचा सेनापती मलिकांबर यांनी खडकी शहरावर विजय मिळवत या शहराला फतेहनगर नाव दिले आणि भव्य वास्तूंची निर्मिती केली, ती म्हणजे भडकल गेट. याच काळात भडकल गेट शेजारी महल वसविले. त्यानंतर हैदराबादचे निजाम यांनी औरंगजेब यांच्या मृत्यूनंतर स्वतःला बादशाह घोषित करत मीर कमरुद्दीन अली असिफ जहा पहिला या औरंगाबाद नवखंडा महल येथून राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली आणि हैदराबादचे निजाम 1948 ला भारतात हे राज्य विलीन करण्यात आले. शनिवारी घेण्यात आलेल्या हेरिटेज वॉक मध्ये ऐतिहासिक वास्तू नवखंडा महल, बारादरी आणि भडकल गेट पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉक्टर निधी पांडे, शासकीय अधिकारी आणि नागरिक देखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. उसके बारे में जैसे मेरी माया भाई को मैडम से बात कर रही थी, लिविंग हेरिटेज. हेरिटेज दो तरीके की होती है, एक है मॉन्यूमेंटल हेरिटेज और एक लिविंग हेरिटेज. लिविंग हेरिटेज में कल्चर एंड यूजेबल पार्ट्स होते हैं. तो ये जो हमारा हेरिटेज का पार्ट है, वी हैड डिस्कस्ड ऑल्सो के लिए आज की जब हम लोग संकल्पना की बात कर रहे थे तब ये हुआ था कि इमारतें हमारे यहाँ बहुत है, परंतु उसको आज से जोड़ना है. इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का काम और भविष्य तक ले जाने का काम ये हमारा है. उसके लिए तीन चीज़ें करनी है. जो हमारे पास अभी उपस्थित मॉन्यूमेंट्स हैं कि वहाँ हेरिटेज है, उसको कंजर्व करना. नंबर टू, उसको हमें यूज़ करना किसी न किसी चीज़ में, चाहे उसको हम सांस्कृतिक सेंटर बना सकते हैं, जैसे इस गेट के ऊपर हम खड़े, इसके नीचे सभी भी रोड जा रही है, उसको यूज़ करना. या फिर जो कॉलेज अभी हमने देखा है जहाँ बच्चियों का भविष्य बन रहा है, फ्यूचर सिटीजंस ऑफ इंडिया आर गेटिंग एजुकेटेड, तो इस तरह से उसको आज के वर्तमान से जोड़ना. एंड तीसरा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और हमारी प्रेजेंट पीढ़ी को उसके बारे में नॉलेज देना, सो दैट वी फील प्राउड ऑफ इट. तो उसे तीसरे पार्ट का हिस्सा है ये हेरिटेज वॉक की संकल्पना. हेल्थ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, परंतु इस तरह से अनऑफिशियल जब गेट टुगेदर होता है तो आई थिंक उससे और भी फ्रेंडशिप और बॉन्ड्स डेवलप होते हैं हमारे औरंगाबाद पर लोगों के लिए. तो मुझे बहुत खुशी है मैं इस हेरिटेज वॉक का पार्ट बनी. आप सब लोग इसमें आए उसके लिए बहुत कई दिन से शुक्रिया. तसेच यावेळी डॉक्टर शेख रमजान यांनी उपस्थितांना ऐतिहासिक वास्तूंबद्दल माहिती दिली.